हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR Tutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी शुरुआत किया था, जिसका नाम है फ्रेंड एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर का हमने एक लेक्चर जो है प्रीवियस वीक में ही कंप्लीट किया हुआ था। तो फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह एक एंगल अगर दिया होता है, उसके बाहर कुछ पॉइंट्स है, कुछ अंदर के पॉइंट्स है, यानी कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ाई किया था। साथ में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते जो लाइन के ऊपर होते, ये भी हमने डिस्कस किया था। एंड साथ ही में हमने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है एडजेसेंट एंगल, किस तरह से एडजेसेंट एंगल का फॉर्मेशन होता है, ये सभी चीज डिस्कस किया था। एंड आज जो आपके लिए लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इसी के बेस पे प्रैक्टिस सेट हमारा 15। तो प्रैक्टिस सेट 15 में हमें यही देखना है कि किस तरह से हमने जो प्रीवियस में स्टडी किया है, थ्योरी पढ़ा है, उसके बेस पे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपके जो प्रैक्टिस सेट 15 की अगर बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए यही है कि आपको एक एंगल ड्रॉ करके दिया हुआ है, एंगल AWB, उसके बाहर कुछ पॉइंट्स है, उसके कुछ अंदर पॉइंट्स है। यहाँ पे आपको बस बताना है कि कौन सा पॉइंट एक्सटीरियर है, कौन सा पॉइंट इंटीरियर है एंड कौन सा पॉइंट ऑन द एंगल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ जो एंगल है यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लेट्स टेक इट दिस एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसके लिए हम लोग 1 का हेडिंग डाल देते हैं। पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको वो एंगल को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरीके का कुछ एंगल है, ओके। तो दिस इज द एंगल, लेट्स सपोज यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स है आपका ए इधर पे है ऑन द लाइन, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे ये डब्ल्यू पॉइंट आता है इधर पे। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है आपका वाई पॉइंट, ओके। तो ये आपका है ए डब्ल्यू बी है, एक्चुअली नॉट वाई, वाई थोड़ा सा अलग है, ये बी है। ए डब्ल्यू बी का आपका एंगल है एंड कुछ पॉइंट्स आपको ऊपर दिए हुए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ चारों पॉइंट्स के नाम जो दिए हुए हैं, सी एक्स आर एन, ठीक है। तो सी एक्स दिस इज आर दिस इज एन, ये 4 पॉइंट बाहर दिए हुए हैं। और अंदर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टी एंड यू, और बाहर इस साइड दिया हुआ है आपको यहाँ पे लाइक जी क्यू वी एंड वाई, ठीक है, जी क्यू यू एंड वाई। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। ये यू पॉइंट नहीं है, इतने ही पॉइंट्स है। तो आपको बस बताना है यहाँ पे इंटीरियर एंगल में जो आपका एंगल बन रहा है, आपको बताना है कि इंटीरियर पॉइंट कौन सा है और एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है और कौन सा पॉइंट ऑन द लाइन है, बस यही चीज बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंटीरियर के लिए, तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे उसको हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। हमारा इंटीरियर पॉइंट्स क्या बनने वाला है, तो इंटीरियर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट्स में मतलब एंगल के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे, तो एंगल के अंदर कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आर है, एन है, सी एक्स है। तो एंगल ये रहा, एंगल के अंदर क्या है, 4 पॉइंट्स है। और किस तरह से निकाला जाता है ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से वो लेक्चर को अटेंड किए होंगे, तो आपको ये बहुत बेसिकली इजिली समझ में आ जाएगा। तो आर एन सी एक्स, तो चारों पॉइंट के नाम लिख दो यहाँ पे, पॉइंट आर एन सी एंड एक्स, ये चारों पॉइंट क्या है, हमारे इंटीरियर पॉइंट्स है। वही अगर बात करें एक्सटीरियर पॉइंट्स की, उसको भी हेडिंग डाल लेते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे आप देखोगे एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, दिस पॉइंट इज टी यू जी क्यू एंड वाई। तो आपको लिख देना है बस जो एंगल के बाहर पॉइंट है वो हो गया आपके एक्सटीरियर पॉइंट, सिंपल है। तो आपके क्या है यहाँ पे, टी है, यू है, जी है, क्यू है एंड वाई, ये 4-5 पॉइंट है जो आपके एक्सटीरियर है। और बात करते हैं तीसरा जो पूछा है आपको, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये आर्म होता है आपका, ये लाइन है, लाइन बोलो, एंगल का लाइन बोलो या फिर आर्म बोलो, उनके जो हाथ है, ये हाथ है उसके, तो उसमें कौन सा पॉइंट है, पॉइंट्स ऑन आर्म, ठीक है, पॉइंट्स ऑन आर्म। आर्म में कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं आर्म्स में। एक तो ए पॉइंट है, डब्ल्यू है और बी है, यही 3 पॉइंट है, ए डब्ल्यू एंड बी, ये 3 पॉइंट क्या है आपके आंसर में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ छूट रहा है क्या, वो आप देख लो यहाँ पे, तो आपको नजर में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है डायग्राम में मेरा थोड़ा मिसमैच हो गया हो, तो आपके एक हाथ पॉइंट्स इधर हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, जितना मुझे नजर आ रहा है उसके हिसाब से मैंने बना लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है काफी सिंपल था, बस एक एंगल दिया रहता है, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, कुछ पॉइंट्स बाहर दिए रहेंगे, कुछ पॉइंट्स अंदर दिए रहेंगे, तो आपको बस वो नोटिस करना है, उसके हिसाब से उसको लिख देना है, इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो वो भी देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मली क्या दिया है, आपको 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, आपको बस अपने पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बताना है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जस्ट जो बाजू बाजू के एंगल्स होते हैं उसी को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो ये एंगल्स क्या होते हैं ये आपको आज वापस से बता देता हूं, और उसके बेस पे हम लोग वो डायग्राम जो दिया है उसमें से हम लोग एडजेसेंट एंगल्स के पेयर जो जोड़ी है वो निकाल लेंगे, ओके। तो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 2 हियर, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, ओके। तो बस आप देखते जाइए लास्ट तक, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल मिला के, ये एक्सरसाइज में छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, तो इसको भी कर लेते हैं। लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल का हेडिंग ले लिया मैंने, यहाँ पे 2 डायग्राम है, सबसे पहला मैं डायग्राम ले रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह का कुछ डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं।
ठीक है, एक आपका डायग्राम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तीन एरो है, ओके, क्या दिया है यहाँ पे, ए है, ये पॉइंट ए है आपका, दिस पॉइंट इज एन, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा एबीसी है ये तो, और बीच में आपका सिर्फ एन पॉइंट दिया हुआ है, ओके, अब आपको क्या निकालना है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो हम लोग एक हेडिंग डाल लेते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हमें निकालना है, क्या निकालना है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जितने भी रहेंगे उसके जोड़ी निकालना है हम लोग को, बस इतना ही बोला है, ओके, तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो एडजेसेंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि एडजेसेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी एंगल उसके बाजू में होना चाहिए और उसका एक आर्म जो होता है, एक जो लाइन होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग में होना चाहिए, मतलब दोनों के पास होना चाहिए। लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप देखोगे तो ए एंड बी, ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि अगर मैंने लिया एंगल ए एंड बी, कौन सा वाला एंगल बनेगा, ए एंड बी में ये वाला एंगल बनेगा, तो ए एंड बी हो गया। दूसरा मैं लेता हूं यहाँ पे लाइक बी एंड सी, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूं एंगल एंड एंगल बी एंड सी, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ये वाला एंगल ले लिया। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा ए एन सी में देखोगे तो ए एन सी में भी ये जो लाइन है वो आएगा, ठीक है, दूसरा जो आप देखोगे तो बी एन सी में भी देखोगे तो ये वाला लाइन जो आएगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि दोनों ही दोनों लाइन में, मतलब दोनों के दोनों एंगल में, दोनों के दोनों जोड़ियों में, पेयर्स में आपका ये जो लाइन है वो कॉमन आ रहा है, दोनों एक दूसरे के बाजू में भी है, ये इधर है ये इधर है, तो इस तरह से हम लोग को पेयर निकालना होता है एडजेसेंट एंगल्स में। तो हम लोग इसको वापस से बना लेते हैं, आप लोग के कन्वीनियंस के लिए मैं फिर से बना लेता हूं ये डायग्राम को, ठीक है, इस तरह का कुछ डायग्राम था, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, और ये पॉइंट आपका एन था, ठीक है, एरो डाल देते हैं इस पे, ओके, तो इसी तरह था। तो आपने एक जोड़ी लिख दिया कि एंगल ए एन बी और एंगल बी एन सी, और क्या बना सकते हो कि एंगल जो बी एन सी है, और क्या बन सकता है, साथ में ए एन सी भी बन सकता है, एंगल एंगल ए एन सी भी बन सकता है, ठीक है ना, ये वाला जोड़ी और ये वाला जोड़ी, उसी तरह से आप बना सकते हो ए एन सी और ए एन बी को भी बना सकते हो, ए एन सी एंड एंगल ए एन बी, इसमें भी आप देखोगे तो ए एन और ए एन कॉमन है। इसका मतलब क्या है, इस तरह से आप कोई भी एडजेसेंट एंगल का यहाँ पे पेयर बना सकते हो और इसका आंसर लगभग इसी तरह है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओके। अब एक और यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर टू का ही, इसी तरह से आपको एक डायग्राम दिया रहेगा और उसमें भी आपको पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बताने, ओके, तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स के लिए यहाँ पे एक और डायग्राम जो क्वेश्चन नंबर टू का ही है, तो क्वेश्चन नंबर टू के लिए ही एक और डायग्राम आपको दिया हुआ है, वो भी आपके लिए बता देते हैं। तो डायग्राम थोड़ा सा आपको यूनिक लगेगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये डायग्राम को देख के। इस तरह से कुछ डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इज दिस पॉइंट इज गोइंग अप, ये आपका लाइन है, आपका जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट टी, दिस इज पॉइंट एस, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड दिस पॉइंट इज पी पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट पी दिया हुआ है, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये आर है, इसको भी लिख लेते हैं आर, एंड दिस पॉइंट इज क्यू, ओके। अब आपको क्या कर रहा है, यही देख के आपको पेयर बताना है कि कौन सा एडजेसेंट एंगल आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि एडजेसेंट एंगल का मतलब यही होता है कि आपका वो एंगल जो है बाजू में बनना चाहिए। तो आप देखोगे एक एंगल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्कर से चेंज करके बताता हूँ, एक एंगल आपको ये वाला नजर आया, एक एंगल ये वाला, दोनों एक दूसरे के बाजू में है। इसका मतलब ये जो एंगल क्या बन रहा है आपका, एंगल ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू आर, एक एंगल ये वाला, आप दूसरा एंगल देखोगे तो एंगल पी क्यू टी, दूसरा एंगल क्या है, एंगल पी क्यू टी, तो दोनों में ही आप देखोगे तो एक पॉइंट है क्यू, तो PQ जो है आपका लाइन वो दोनों में ही आ रहा है, PQR में भी PQ आ रहा है और PQT में भी PQ आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल के पेयर है। तो यही एक आपका एडजेसेंट एंगल का पेयर इसमें बन रहा है, बाकी कोई भी एडजेसेंट एंगल का पेयर इसमें नहीं बनने वाला ये पर्टिकुलर डायग्राम में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर टू भी समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल प्रैक्टिस सेट है, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। अब डायरेक्ट जंप करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोला है, आपको एक डायग्राम दिया रहेगा और वो डायग्राम में दिया है कि आपको बताना है कि ये जो जोड़ी दी हुई है, ये एंगल्स जो दिए हुए हैं वो एडजेसेंट पेयर्स में है कि नहीं, आपको इस बार आइडेंटिफाई करना है और डायग्राम दिया हुआ है, बस यही करना है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका वैलिड रीजन बताइए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, इसको भी मैं फटाफट से सॉल्व करा देता हूँ। टोटल चार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दो एटलीस्ट बता दूंगा क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए, और क्वेश्चन नंबर थ्री का जो बाकी का जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा, जैसा मैं हमेशा से होमवर्क देता रहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसके लिए हेडिंग डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, डायग्राम क्या है, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। तो आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसको सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। इस तरह से कुछ डायग्राम है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं बना रहा हूं, धीरे धीरे आपको वन बाय वन देखते रहना है, ओके। तो इस तरह से कुछ डायग्राम है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए, उसके कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किया हुआ है, जैसे कि एम पॉइंट है ये वाला, कॉमन पॉइंट एम है, ठीक है, दिस पॉइंट इज एम, एंड पी टी क्यू एस आर एन, दिस इज पी क्यू टी एस आर एंड एन,
ठीक है, ये टोटल कितने पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे, तो पी क्यू एस टी आर एन आपको इतने सारे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लियरली यही बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री में, आर द फॉलोइंग पेयर्स आर एडजेसेंट एंगल्स। आपको क्वेश्चन मार्क पूछा है कि एडजेसेंट एंगल है क्या इसमें से कुछ, और है तो मुझे बताओ कौन से है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए पूछा है यहाँ पे, जो की है क्वेश्चन नंबर वन, इसके लिए जो की पूछा है कि एंगल पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल जो आपको दिया हुआ है एंगल आर एम क्यू, एंगल आर एम क्यू। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल है किधर। तो एंगल आप देखोगे तो पीएमक्यू किधर नजर आ रहा है, पीएम एंड क्यू, दिस वन एंगल आप देखोगे तो ये एंगल जो है पीएमक्यू हो गया, और दूसरा है आर एम क्यू। तो आर एम क्यू आपको किधर नजर आ रहा है, दिस इज आर, ठीक है, दिस इज एम एंड क्यू, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो पीएमक्यू जो ये वाला एंगल है और दूसरा है आर एम क्यू, तो इसमें जो एमक्यू वाला जो आ रहा है पार्ट, एमक्यू वाला जो पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो आप लिख सकते हो यस क्या है, ये एडजेसेंट एंगल का पेयर है, एडजेसेंट एंगल पेयर है, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। वही अगर मैं बात करता हूँ सेकंड एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, सेकंड एग्जांपल में क्या बोला आप देखोगे तो एंगल आर एम क्यू और एंगल एस एम आर, तो एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर, ये एंगल आपको दिया हुआ है। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑल्सो। तो आर एम क्यू तो आपने देख लिया कि ये वाला आर है, ये एम है, क्यू है, तो मतलब दिस वाला एंगल, ठीक है ना, आर एम क्यू मतलब यहां से लेके यहां तक का एंगल, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा आप देख सकते हो ये वाला पार्ट आर एम क्यू वाला पार्ट, ठीक है ना। अब ये एंगल से हम लोग किससे कंपेयर करना है, एसएमआर से करना है। एसएमआर किधर है आपका, दिस इज एसएमआर, मतलब एक तरीके का आप बोलोगे तो ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल। तो आप देखोगे तो एसएमआर और आरएमक्यू में कोई भी ऐसा चीज है जो कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा आर्म नहीं आ रहा है जो कॉमन है। इसका मतलब क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल, नॉट एडजेसेंट एंगल का पेयर, इट इज नॉट एंगल एडजेसेंट एंगल पेयर। तो आप क्लियरली ऐसा बोल सकते हो और लिख सकते हो कि एडजेसेंट एंगल का पेयर नहीं है। और इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है रिमेनिंग जो दो बचे हुए एग्जांपल है, मैंने सिर्फ दो कराए क्वेश्चन नंबर थ्री में, सिर्फ दो कराए और दो बचे हुए, एक है आपका आरएमएस और आरएमटी, दूसरा है एसएमटी एंड आरएमएस। तो ये दोनों आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग में से कितने लोग हैं जो इसको सही से कर पा रहे, और मुझे प्लीज कमेंट करके बताएगा जो रिमेनिंग थर्ड एंड फोर्थ है वो क्या आ रहे हैं, एडजेसेंट एंगल पेयर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये आपको प्लीज कमेंट करके बताना है। आप लोग के कमेंट का मैं वेट करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज जो है फ्रेंड्स यहाँ का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर यही पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट जो 50 ने हमारा इसको कर दिया है टोटली कंप्लीट। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो मेथड है मेरा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग, फटाफट से शेयर करके बता दो कि राहुल सर फिर से लेकर आ गए हैं एक और बेहतरीन मैथ्स का लेक्चर वीडियो 7th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे। तो फटाफट से आके लेक्चर वीडियो को अटेंड कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।